हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस प्रिलिम्स लॉकडाउन सीरीज में हम लोग ज्योग्राफी की क्लास देख रहे हैं और इस ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग बेसिकली लास्ट क्लास में देख रहे थे हम लोग बेसिकली टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इन द ओशियन। इसी डिस्कशन को आगे जरा कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग देखेंगे बेसिकली सैलिनिटी से रिलेटेड आखिर में क्या चीज है, सैलिनिटी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है ओशियन में। फटाफट स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस क्रैक। बट बिफोर दैट these are our contact details and these are some of the available courses on YouTube. These are prelims special, mains special and test series based on subscription. Geography mains test series, GS mains test series and current test series are available. Salinity के बारे में बात करें तो जिस तरीके से हम लोगों ने लास्ट क्लास में बेसिकली टेम्परेचर के बारे में डिस्कस किया था, दो तरीके से, एक तो हॉरिजॉन्टल तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया था जहां पर हम लोग अर्थ के सरफेस को सारा का सारा देख रहे थे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, और दूसरा हम लोगों ने देखा था वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जहां पर बेसिकली हम लोग विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ गए थे कि आखिर में गहराई में जाने पे किस तरीके से टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन ओशियन में देखने को मिलता है। सिमिलरली हम लोग यहां पर सैलिनिटी का भी सेम यही सारा कुछ देखेंगे कि यहां पर हॉरिजॉन्टल तरीके से जब हम जाते हैं तो किस तरीके का हमें डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, साथ ही साथ हम लोगों को वर्टिकल डायरेक्शन में यानी कि डेप्थ के साथ में किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। बट उससे पहले हमें देखना पड़ेगा आखिर में सैलिनिटी होती क्या है, साथ ही साथ कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके लिए सैलिनिटी रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसके कारण से सैलिनिटी रीडिस्ट्रीब्यूट या सैलिनिटी जो होती है वो मैनेज हो रही होता है। फटाफट स्टार्ट करते हैं सैलिनिटी के बारे में। सैलिनिटी इज बेसिकली द टोटल डिजॉल्व सॉल्ट इन द ओशन वाटर। तो किस तरीके से कितना इसमें सॉल्ट कंटेंट है, सॉल्ट कंटेंट का मतलब कितना क्लोराइड है, कितना ब्रोमाइड है, कितना आयोडाइड है, यही बेसिकली सॉल्ट कंटेंट होता है। इट इज कैलकुलेटेड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम डिजॉल्व इन 1000 ग्राम या फिर 1 किलोग्राम, या फिर इसी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं ppm में, पार्ट्स पर मिलियन में, कितने पार्ट में कितना मिलियन हो रहा है बेसिकली इसको लेकर के हम लोग यहां पर कैलकुलेट कर रहे होते हैं। इट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज पार्ट्स पर 1000 या फिर पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। फिर इसके बाद से अगर बात करें तो एवरेज सैलिनिटी जो हमें देखने को मिलती है वो निकलती है 24.7 के नियर अबाउट में। तो सैलिनिटी ऑफ 24.7 इज कंसिडर्ड एज अपर लिमिट टू द डिमार्केटेड ब्रैकिश वाटर। बेसिकली हमारे पास तीन तरीके के वाटर होते हैं, तीन तरीके का वाटर होता है। एक वाटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि वो फ्रेश वाटर है, दूसरी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रैकिश वाटर होती है, और तीसरी होती है जिसको हम लोग मरीन वाटर बोलते हैं। तो बेसिकली तीन तरीके की वाटर होती है। जो ब्रैकिश वाटर होती है बेसिकली वो 35 to 150 पार्ट्स पर मिलियन इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली 35 ppm से अगर नीचे है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो फ्रेश वाटर, और अगर 150 या फिर 200 से ऊपर हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कि वो मरीन वाटर हो गई है। मरीन वाटर कहने का मतलब वही ओशियन वाटर है जिसकी सैलिनिटी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। क्लियर हो गया क्या चीज है। द सेम डेटा 35 को यहां पर 24.7 लिखा हुआ है, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग वेरी कर रही होती है, ठीक है। आगे अगर बात करें तो सैलिनिटी बेसिकली डिटरमाइन द कंप्रेसिबिलिटी, थर्मल एक्सपेंशन, टेम्परेचर, डेंसिटी, एब्सॉर्प्शन ऑफ इंसुलेशन, इवेपोरेशन एंड ह्यूमिडिटी आल्सो। किस तरीके से डिपेंड करता है एक एक करके जरा डिस्कस करते हैं। जैसे सैलिनिटी है, सैलिनिटी का मतलब ये है कि अभी जो फ्रेश वाटर था वहां पर केवल और केवल H2O प्रेजेंट था, या फिर कह लीजिए कि D2O प्रेजेंट था। D2O का मतलब होता है ड्यूट्रियम ऑक्साइड, ये आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का। अगर आपको D2O के बारे में नहीं समझ में आ रहा है, टफ लग रहा है, मिटा दीजिए इसको, कुछ नहीं लिखा हुआ है, केवल और केवल H2O लिखी हुई है। तो H2O अगर है केवल और केवल तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो फ्रेश वाटर है। लेकिन जब इसमें मिनरल्स मिल जाते हैं, मिनरल्स का मतलब क्या है कि NaCl हो गया या MgCl2 हो गया, इनकी अगर प्रेजेंस हो जाती है या फिर सल्फेट्स की प्रेजेंट हो जाती है तो अब हम लोग कहते हैं कि यहां पर कंटेमिनेशन आ गया, या फिर कह लीजिए कि सॉल्ट इसमें ऐड हो गए हैं, और इस सॉल्ट के ऐड होने के कारण से जो फ्रेश वाटर था वो अब सैलाइन वाटर में कन्वर्ट हो गया है। इस सैलाइन वाटर में कन्वर्ट होने के कारण अब जो वाटर पहले मान लेते हैं कि 100 कैलोरी की एनर्जी लेकर के टेम्परेचर 28 से 35 डिग्री कर रहा होता था, अब वही टेम्परेचर 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगा वो अब हो सकता है कि 200 कैलोरी रिक्वायर्ड हो। क्यों? क्योंकि पहले केवल और केवल H2O को आपको बॉन्ड ब्रेकिंग करनी थी, लेकिन अब NaCl, MgCl2, CaSO4 ये भी बॉन्ड ब्रेकिंग करनी होगी। इस कारण से जो इसका हीटिंग टेम्परेचर है उसको बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी
देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से 100% श्योर हो गया कि इसकी कंप्रेसिबिलिटी और इसका थर्मल एक्सपेंशन और साथ में टेम्परेचर, ये तो सैलिनिटी से किस तरीके से डिपेंडेंट है वो आपको सामने देखने को मिल ही गया, क्योंकि यहां पर इस तरीके के यहां पर सिस्टम आ गए हैं। डेंसिटी के बारे में बात करें तो देखिए, डेंसिटी अगर केवल और केवल H2O है तो केवल और केवल H2O की डेंसिटी कैलकुलेट होगी, लेकिन जब NaCl या MgCl2 या कुछ और भी जब कंपाउंड आ जाएंगे तो सीधी सी बात है ये ओवरऑल डेंसिटी यहां पर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इस तरीके से जो ओवरऑल डेंसिटी होगी वो कुछ अलग देखने को मिलेगी। हो सकता है डेंसिटी ज्यादा हो या हो सकता है डेंसिटी कम हो, इट डिपेंड्स कि किस तरीके की हमारे पास एलिमेंट जुड़े हुए हैं। हालांकि जब भी हम इस तरीके से सैलिनिटी लेते हैं तो उसकी डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है। क्लियर हो गया क्या चीज है? इसके अलावा एब्जॉर्प्शन ऑफ इंसुलेशन, वो हम लोगों ने देख लिया कि एनर्जी जो होती है काफी ज्यादा जो होती है एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट काफी इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। साथ ही साथ इवेपोरेशन भी बढ़ जाती है और ह्यूमिडिटी भी आप देख सकते हैं कि यहां पर चेंज हो जाती है, क्योंकि वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी अब बदल जाती है। इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द कंपोजिशन एंड मूवमेंट ऑफ सी वाटर एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिश एंड मरीन रिसोर्स, क्योंकि सैलाइन वाटर में जब भी रहेगा तो अगर मान लेते हैं सैलिनिटी अगर इंक्रीज हो जाती है तो इंक्रीज करने के कारण बहुत सारे ऐसे मरीन एलिमेंट्स होते हैं जो सह नहीं पाते हैं या फिर कह लीजिए सर्वाइवल नहीं होती है। जैसे अगर बात करें एक छोटा सा एग्जाम्पल बात करते हैं, जैसे घड़ियाल है। घड़ियाल जो होता है ऑब्वियसली एक क्रिएचर है, एक कह लीजिए कि जानवर है, मरीन एनिमल है जो मरीन में रहता है, लेकिन ये जो घड़ियाल है बेसिकली वो फ्रेश वाटर में रहता है। तो ये जो फ्रेश वाटर है अगर ये सैलाइन होता है तो 100% श्योर है या तो घड़ियाल मूव कर जाएंगे उस वाटर से या फिर वो विलुप्त हो जाएंगे, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें अलग अलग पॉइंट देखने को मिला, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर हम देखें कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग ओशन सैलिनिटी, तो वन बाय वन करके अगर डिस्कस करें तो बेसिकली जो सॉल्ट या फिर कह लीजिए सैलिनिटी होती है जो ओशन में प्रेजेंट होती है वो दो ही चीजों पे मेनली डिपेंड करती है। एक होती है जिसको हम लोग इवेपोरेशन बोलते हैं और दूसरी होती है जिसको हम लोग प्रेसिपिटेशन कहते हैं। जैसे अगर मानते हैं एक एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं दिस इज आवर सम वाटर बॉडी है, सपोज ये वाटर बॉडी हमारी है, तो वाटर बॉडी में ऑब्वियसली एक जगह से यहां पर इनलेट आ रहा होगा, मतलब यहां से वाटर की आ रही होगी, यहां पर इनफ्लक्स आ रहा होगा बेसिकली वाटर का, इनफ्लक्स ऑफ वाटर। अब ये वाटर 100% श्योर है कि प्योर तो नहीं होगा, क्योंकि यहां पर इंडस्ट्रियल वेस्ट मिले होंगे, गार्बेज मिला होगा, कुछ केमिकल पोल्यूटेंट्स मिले होंगे और अल्टीमेटली इसकी जो सैलिनिटी हो काफी ज्यादा बढ़ी हुई होगी, सैलिनिटी ज्यादा होगी। अब यहां पर जैसे ही आएगा वैसे ही मान लेते हैं कि ये फ्रेश वाटर है, सपोज ये फ्रेश वाटर है, लेकिन फ्रेश वाटर होने के बावजूद भी अब क्या होगा, ये सैलिनिटी यहां पर अब मिक्स हो जाएगी। इसके मिक्स होने के कारण अब जो ये फ्रेश वाटर था वो अब सैलाइन वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, सैलाइन वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो एक हुआ कंपोनेंट जो इस तरीके से बढ़ा। दूसरी जो है सीन वो होती है ऊपर से रेनफॉल हो रही है, तो रेनफॉल के कारण से जो भी प्रेसिपिटेशन या फिर जिसको हम लोग रेनफॉल बोल रहे हैं, इस रेनफॉल के कारण जो भी वाटर एलिमेंट इनफ्लक्स आ रहा होगा ये इनफ्लक्स बेसिकली फ्रेश वाटर होगी, क्योंकि रेन वाटर बोला जाता है ना कि काफी फ्रेश वाटर होती है, तो दिस इज बेसिकली फ्रेश वाटर। इसके अलावा कोई और दूसरा साधन नहीं है वाटर के आने का, यही केवल और केवल साधन है वाटर को आने का। तो ये हो गया इनफ्लक्स, इनफ्लक्स ऑफ वाटर। क्लियर हो गया? जिसमें सबसे ज्यादा जो डोमिनेटिंग रोल प्ले करने वाला है वो है प्रेसिपिटेशन या फिर बोल सकते हैं हम उसको रेनफॉल। और दूसरा होता है कि आउटफ्लक्स क्या है, मतलब कि कहां से निकल रही है चीजें। तो आउटफ्लक्स ऑफ वाटर जो निकल रहा होगा वो मेनली क्या होगा, इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। तो इवेपोरेशन बेसिकली निकल रहा होगा, और इवेपोरेशन में भी जब भी इवेपोरेशन होती है तो इवेपोरेशन हमेशा हल्की चीजों का होता है, मतलब लेस डेंस चीजों का होता है। इसका मतलब श्योर है लेस डेंस है अगर मान लेते हैं तो 100% श्योर है कि वो फ्रेश वाटर ही केवल और केवल जो होती है वाष्पीकरण हो रहा होगा, यानी इवेपोरेशन के दौरान में फ्रेश वाटर केवल और केवल निकल रही होगी। अब मान लेते हैं कि इनफ्लक्स है, इनफ्लक्स में आपका सैलिनिटी भी बढ़ रही है और साथ ही साथ में जो होता है वाटर भी आ रही है, लेकिन जो आउटफ्लक्स है उसमें केवल और केवल आपकी फ्रेश वाटर निकल रही है, यानी कि अगर इनफ्लक्स में से आउटफ्लक्स को अगर हम माइनस कर देते हैं तो अल्टीमेटली हमें सैलिनिटी मिल जाएगी। क्लियर हो गया क्या चीज है? क्योंकि यही वो लेकर के आ रहा है और ये माइनस हो रहा है, तो इस तरीके से सैलिनिटी जो होती है वो निकल के आ जाती है। तो दिस इज बेसिकली द टर्म, या कह सकते हैं कि जो सैलिनिटी है वो बेसिकली इन्हीं दोनों टर्म पे डिपेंड कर रही होती है। अगर मान लीजिए किसी इलाके में इवेपोरेशन काफी ज्यादा हो रहा है तो एक बात श्योर है कि इवेपोरेशन अगर ज्यादा होगा तो आउटफ्लक्स
काफी ज्यादा होगा, जिसके कारण से जो माइनस वाला टर्म है काफी ज्यादा होगा और इसके कारण से सैलिनिटी बहुत कम देखने को मिलेगी। क्लियर हो गया? तो इवेपोरेशन जितना ज्यादा देखने को मिलेगा, सॉरी अगर मान लीजिए इवेपोरेशन बहुत ज्यादा होगा हो रहा होगा, यानी फ्रेश वाटर बहुत ज्यादा निकल के आ रही होगी, तो सैलिनिटी काफी ज्यादा हाई हो जाएगी। वही अगर इन्फ्लक्स बहुत ज्यादा आ रहा होगा, यानी प्रेसिपिटेशन बहुत ज्यादा हो रही होगी, तो 100% श्योर है कि सैलिनिटी उसकी कम हो जाएगी। यानी यहां पर बेसिकली जो हमारा फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला कैसा होगा, फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होगा, इवेपोरेशन माइनस अगर हम लोग यहां पर वाटर को ले लेते हैं या प्रेसिपिटेशन ले लेते हैं, तो ये बेसिकली हमें बता देगा अल्टीमेटली कि कितनी ज्यादा सैलिनिटी होने वाली है। तो दिस विल बी द फॉर्मूला, ये हम लोग देखेंगे आगे। तो सरफेस सैलिनिटी जनरली क्या होगी, ग्रेटर इन्फ्लुएंस इन द कोस्टल इलाका, क्योंकि यहीं पर जो फ्रेश वाटर होती है वो रिवर से आ भी रही होती है, साथ ही साथ में केमिकल इफ्लुएंट भी आ रहा होता है। और पोलर एरिया में अगर बात करें तो दिस इज बेसिकली द फ्रीजिंग और थॉइंग ऑफ आइस, यहाँ पर जो आइस है वो कह लीजिए कि जो होता है वो फ्रीज्ड फॉर्मेट में या फिर ग्लेशियर फॉर्मेट में होती है, जबकि विंड जो होती है, विंड भी सैलिनिटी को काफी हद तक कह लीजिए कि अफेक्ट कर रहा होता है। किस तरीके से अफेक्ट कर रहा होता है, यहां पर जो वाटर होती है वो यहां पर ट्रांसफर होती है विंड के जरिए, हालांकि जो होता है इतना ज्यादा ये सिग्निफिकेंट नहीं होता है, इतने ज्यादा अमाउंट में तो नहीं लेकर के आता है, लेकिन हाँ अगर फैक्टर के बारे में बात करेंगे तो यस दिस अफेक्ट्स ओशियन सैलिनिटी। क्लियर? ओशियन करंट कंट्रीब्यूट द सैलिनिटी वेरिएशन, ऑब्वियसली बात है ओशियन करंट तो करती ही करती है, बिकॉज ऑफ दैट मूवमेंट हमें सामने देखने को मिलती है। इसके अलावा टेम्परेचर हो गए, डेंसिटी ऑफ वाटर हो गई, ये सारी की सारी चीजें जो होती है वो सैलिनिटी को अफेक्ट कर रही होती हैं। अब हम लोग अगर आ जाते हैं और सैलिनिटी के डिस्ट्रीब्यूशन को अगर देखा जाए, तो देखिए सैलिनिटी के डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने बात किया था कि देयर आर बेसिकली टू पैरामीटर्स थ्रू विच सैलिनिटी आर गोइंग टू बी कैलकुलेटेड। एक चीज है जिसको हम लोगों ने बोला था कि इवेपोरेशन, और दूसरी चीज हम लोगों ने बात किया क्या चीज, रेनफॉल। तो दीज आर बेसिकली टू टर्म्स, ठीक है। इवेपोरेशन अगर मान लेते हैं काफी अगर ज्यादा देखने को मिलेगा तो फ्रेश वाटर वहां से निकलना शुरू हो जाएगी, और फ्रेश वाटर अगर ज्यादा निकलेगी तो सैलिनिटी भी काफी ज्यादा नोट की जाएगी, यानी ये हाई हो जाएगा। और अगर मान लेते हैं इवेपोरेशन अगर लो होता है तो 100% श्योर है कि यहां पर फ्रेश वाटर बना रहेगा और उसकी सैलिनिटी जो होगी वो रिलेटिवली कम देखने को मिलेगी। रेनफॉल के बारे में अगर बात करें तो रेनफॉल देखिए अगर हाई होता है तो यहां पर फ्रेश वाटर ऐड होता जाएगा, इसके कारण से जो सैलिनिटी होगी वो लो हो जाएगी, और वही अगर रेनफॉल लो रहेगा तो सीधी सी बात है फ्रेश वाटर ज्यादा आ नहीं पाया, यानी सैलिनिटी इसकी हाई हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने बेसिकली दोनों पैरामीटर को देख लिया कि किस तरीके से दोनों पैरामीटर बिहेव कर रहे हैं। अब हमारे पास बेसिकली तीन एरियाज हैं, तीन एरिया कौन कौन से हैं, एक एरिया है जहां पर हम लोग इक्वेटर के बारे में बात करेंगे, इक्वेटर हो गया 0 डिग्री, दूसरा हम लोग बात कर लेंगे ट्रॉपिकल एरिया के बारे में या ट्रॉपिक्स जिसको शॉर्ट में बोल देता हूं मैं, तीसरा है जो पोलर इलाका है, ठीक है। अब देखिए पोलर इलाके में क्या होती है, पोलर इलाके में बेसिकली होती है ग्लेशियर्स, और ग्लेशियर आपको पता ही है कि सबसे ज्यादा इनफैक्ट फ्रेश वाटर ही सिर्फ होता है यहां पर और कोई दूसरा एलिमेंट नहीं होता है, सैलाइन वाटर कभी भी जम नहीं सकता है, फ्रेश वाटर ही केवल और केवल जमेगा। और इसलिए यहां पर अगर बात करें सैलिनिटी कैसी है, तो यहां पर सैलिनिटी सबसे कम है, लोवेस्ट फॉर्मेट में आप बोल सकते हैं कि दीज आर द लोवेस्ट, दीज रीजन विल रिपोर्ट लोवेस्ट सैलिनिटी। अगर वही इक्वेटर के बारे में बात करते हैं तो देखिए इक्वेटर पे इवेपोरेशन भी काफी ज्यादा है, इवेपोरेशन भी काफी ज्यादा, और साथ ही साथ प्रेसिपिटेशन भी हमें काफी ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि यहां पर विषुवत रेखीय या फिर कह लीजिए कि यहां पर इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है। क्या होता है ये चीज हम लोग आगे क्लाइमेटोलॉजी में देखेंगे, फिलहाल आप मान लीजिए कि ये वाली कंडीशन होती है, यह मैं बता रहा हूं अभी आपको, आगे उसको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों होता है। तो इवेपोरेशन काफी ज्यादा हो रही है, साथ ही साथ में प्रेसिपिटेशन भी काफी ज्यादा हो रही है। अगर प्रेसिपिटेशन काफी ज्यादा होगी तो सैलिनिटी कैसी होगी, सैलिनिटी बोल रहा है कि लो होगी, और वही इवेपोरेशन अगर काफी ज्यादा होगा तो ये बोलता है कि हाई होगा, यानी यहां पर हाई लो दोनों में कंफ्यूजन है, देखते हैं क्या चीज होगी। लेकिन ट्रॉपिक्स में अगर बात करें तो देखिए ट्रॉपिक्स में इवेपोरेशन काफी ज्यादा होती है, जबकि रेनफॉल जो होगी वो इक्वेटर से रिलेटिवली कम होती है, और कम होने के कारण से यहां पर हाई सैलिनिटी देखने को मिलेगी, साथ ही साथ इवेपोरेशन ज्यादा होने के कारण से हाई सैलिनिटी मिलेगी। यानी कि ये दोनों ही बोल रहे हैं कि हाई सैलिनिटी। एक बात तो श्योर हो गई, इक्वेटर की सैलिनिटी ट्रॉपिक्स से कम होगी। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो यहां पर बेसिकली हाईएस्ट सैलिनिटी देखने को मिलती है कहां पर, ट्रॉपिकल एरियाज में, और वही इक्वेटर में रिलेटिवली स्लाइटली
लो सैलिनिटी हमें देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया कि किस किस इलाके में किस तरीके का हमें डिस्ट्रीब्यूशन सामने देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो ये हम लोगों ने देखा सरफेशियल बेसिस पे। सरफेशियल बेसिस का अगर मैं फोटो बनाऊं तो देखिए यहां पर हम लोग देख रहे हैं एक तरीके से हॉरिजॉन्टल तरीके से। तो ये बेसिकली हो गई हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल में हम लोगों ने बात किया कि हमारी ये सिस्टम है, इस सिस्टम में ये इक्वेटर है, इस इक्वेटर के ऊपर ये इलाका मान लेते हैं कि ट्रॉपिक्स का है, और इसके ऊपर हमारा पोलर एरिया हो जाएगा। तो पोलर एरिया में जो सैलिनिटी होगी वो लोवेस्ट होगी, यहां पर हाईएस्ट होगी, और यहां पर स्लाइटली ये है स्लाइटली हाई है, स्लाइटली हाई या स्लाइटली लो जैसा भी आप कहना चाहें। अगर इसके ग्राफ को बात करते हैं तो देखिए ये मान लेते हैं कि हमारा यहां पर इक्वेटर है, दिस इज बेसिकली इक्वेटर। यहां पर मान लेते हैं कि हमारी ट्रॉपिक्स है, तो ये बेसिकली यहां पर ट्रॉपिक्स हो जाएगी, और यहां पर मान लेते हैं कि पोलर एरिया है, यहां पर बहुत कम है या जीरो ही है, जीरो मान लेते हैं यहां पर है कहीं पर इक्वेटर पे। अगर यहां पर है तो 100% श्योर है कि ट्रॉपिक्स पे यहां कहीं होगी, यानी इस तरीके का सैलिनिटी कर्व हमें कुछ देखने को मिलेगा। सिमिलरली अगर इसको इधर के साइड में भी शिफ्ट करेंगे तो यहां पर आपके ट्रॉपिक्स हो जाएगी, और यहां पर मान लेते हैं कि इक्वेटर हो जाएगा, तो यहां पर भी आपको कुछ इसी तरीके का कर्व देखने को मिलेगा, जहां पर हमारी ट्रॉपिक्स कुछ इस तरीके से सिस्टम हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा यहां पर किस तरीके से हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। क्लियर हो गया? अब हम लोग जरा वर्टिकल साइड से अगर देखें तो वर्टिकल में क्या चीज है, वर्टिकल में अगेन हम लोग तीन पार्ट में बेसिकली डिवाइड करेंगे। तीन पार्ट का मतलब क्या हो गया, हम लोग जा रहे हैं डेप्थ में, और यहां पर बेसिकली होगी तीन तरीके से, एक होगी जो हमारी ट्रॉपिक्स की होगी, एक हमारी इक्वेटर की होगी, और साथ ही साथ एक होगी हमारी पोलर एरिया की। तो यहां पर अगर मान लेते हैं कि सैलिनिटी का अगर ये ग्राफ है तो ये सैलिनिटी है इधर, और ये हम लोग डेप्थ में जा रहे हैं, तो अब यहां पर सबसे कम सैलिनिटी किसकी है बताइए, तो ऑब्वियसली पोलर एरिया की है। तो पोलर एरिया में कुछ यहां पर हमें सैलिनिटी देखने को मिलेगा, फिर इसके बाद से इक्वेटर की होगी, तो यहां पर हमें इक्वेटर की सैलिनिटी देखने को मिलेगी, और उसके बाद से लास्टली और सबसे ज्यादा हमें ट्रॉपिक्स की देखने को मिल जाएगी। क्लियर हो गया? सरफेस पे देखिए सैलिनिटी सबसे ज्यादा होगी, और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे सैलिनिटी के एक सैचुरेशन लेवल सामने आ जाएगा, और सैचुरेशन लेवल कुछ मान लेते हैं यहां पर है, तो पोलर एरिया में धीरे धीरे ये आगे बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि ऊपर तो सीधी सी बात है ग्लेशियर था, और जब नीचे जाएगा तो ये लिक्विड मतलब कि वाटर में बदलेगी, और वाटर की सैलिनिटी अपने आप कुछ ना कुछ फॉर्मेट में आ ही जाएगी। ग्लेशियर फ्रेश वाटर है लेकिन उसके आगे तो सिस्टम है ही। बाकी इन लोगों की सैलिनिटी काफी ज्यादा सरफेस पे होती है, और नीचे जाते आते एक सैचुरेशन लेवल आ जा रही होती है। तो इस लाइन को भूल जाइए, यही है लाइन, तो इस तरीके से आ जाती है। और वही अगर ट्रॉपिक्स के बारे में बात करें तो अच्छा खासा हमें ये चेंज देखने को मिलता है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो यहां पर हमारे पास एक जोन मिलती है जहां पर हमें चेंज देखने को मिलता है। तो चेंज इन सैलिनिटी हमें सबसे ज्यादा इसी जोन में देखने को मिलती है। इनफैक्ट टेम्परेचर भी हम लोगों ने देखा, तो टेम्परेचर भी हमें इस तरीके से एक जोन मिली थी जहां पर हमें टेम्परेचर में काफी ज्यादा एक चेंज देखने को मिला था, और टेम्परेचर वाले को हम लोगों ने नाम दिया था थर्मोक्लाइन। दिस वॉज थर्मोक्लाइन, क्योंकि थर्मोक्लाइन का होता है मतलब टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन यहां पर जो हम लोग रखते हैं उसको हम लोग रखते हैं हेलोक्लाइन। दिस इज बेसिकली हेलोक्लाइन, जिसका मतलब होता है सैलिनिटी डिस्ट्रीब्यूशन या सैलिनिटी का जो चेंज आ रहा है। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैलिनिटी के बारे में। आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी क्या चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहां पर। अब जरा वन बाय वन करके थोड़ा थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं क्या चीज है। थ्योरम जब हम लोग आएंगे इसको मैं क्लियर कर देता हूं ताकि दिखे आप लोग को। ओके, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जब आप आते हैं तो सैलिनिटी जो होती है वो डेप्थ के साथ में चेंज कर रही होती है, बट द वे इट चेंज डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ द सी। लोकेशन ऑफ द सी का मतलब वही हो गया कि ये इक्वेटर का इलाका है या ट्रॉपिक्स का इलाका है या फिर पोलर एरिया का एरिया, उस पर डिपेंड करेगा। सैलिनिटी एट द सर्फेस इंक्रीज बाय द लॉस ऑफ वाटर टू द आइस और इवेपोरेशन। अगर आइस रहेगी तो भी फ्रेश वाटर रहेगी, और इवेपोरेशन होगा तो भी फ्रेश वाटर ही होगा। डिक्रीज बाय द इनपुट ऑफ द फ्रेश वाटर एंड सच एज द फ्रॉम द रिवर। तो इस तरीके से फ्रेश वाटर का लॉस हो जाएगा, और अल्टीमेटली केवल और केवल आपको सिस्टम मिलेगा किसका, सैलिनिटी वाटर का देखने को मिल जाएगा। क्लियर हो गया क्या चीज है? आगे अगर बात करते हैं तो आगे हमें मिलेगा सैलिनिटी एट द डेप्थ इज वेरी मच फिक्स्ड बिकॉज देर इज नो वे दैट वाटर इज लॉस्ट और वाटर इज एडेड। तो हम लोग यही जो बात कर रहे थे, यहां पर आपको छोटा सा दिखा देता हूं मैं, यहां पर हम लोग बात कर रहे थे ना कि यहां पर तीन सरफेस है और अल्टीमेटली इस तरीके से चेंज आएगा, और एक हमें सैचुरेशन देखने को मिलेगा। तो ये जो सैचुरेशन बेसिकली नीचे देखने को मिल रही है वही है कि सैलिनिटी जब नीचे चले आते हैं तो एक फिक्स फॉर्मेट में हो जाती है, 35-36 के अराउंड में एक फिक्स हो जाती है।
और इस तरीके से हमें यहाँ पर सैलिनिटी का एक मेंटेन या फिर कह लीजिए सैलिनिटी एक यूनिफॉर्म देखने को मिलती है थ्रू आउट द ओशियन. द लोअर सैलिनिटी वाटर रेस्ट एबव द हाई सैलिनिटी वाटर. अब ऐसा क्यों है, लोअर सैलिनिटी वाला ऊपर क्यों है हाई वाले के, क्योंकि सीधी सी बात है जो लोअर सैलिनिटी का होगा उसकी डेंसिटी भी हल्की होगी, लेकिन वही अगर हायर सैलिनिटी वाले के बारे में बात करें तो इसकी डेंसिटी हायर होगी. हायर वाली बॉडी सीधी सी बात है डेंस वाटर है नीचे रहेगा और हल्की वाली बॉडी ऊपर रहेगी. इस कारण से लोअर सैलिनिटी ऊपर रहेगा हायर सैलिनिटी नीचे रहेगा. क्लियर हो गया क्या चीज है. सैलिनिटी जनरली इंक्रीज विद द डेप्थ. तो जनरली जो होती है सैलिनिटी इंक्रीज करती है जब हम नीचे जाते हैं, लेकिन ये एक डिस्टिंक्ट जोन बनाती है जिसको हम लोग हेलोक्लाइन हम लोग बोल रहे थे ना अभी, हम लोगों ने देखा था हेलोक्लाइन जैसे हम लोगों की थर्मोक्लाइन थी वैसे ही, जहां पर हमें सैलिनिटी जनरली देखने को मिलती है कि वो बढ़ रही है, बट इलाके इलाके पर डिपेंड करता है. तो अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट इंक्रीजिंग सैलिनिटी ऑफ सी वाटर कॉज इट्स डेंसिटी टू इंक्रीज. हाई सैलिनिटी सी वाटर जनरली सिंक बिलो द लोअर सैलिनिटी वाटर एंड दिस लीड टू स्ट्रैटिफिकेशन बाय द सैलिनिटी. तो सैलिनिटी का एक स्ट्रैटिफिकेशन हमें देखने को मिलता है. इसके कर्व को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और सिस्टम को भी डिस्कस कर लिया. अगर आगे बात करें और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की चीजों को देख लेते हैं. हालांकि इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है कि हम लोगों ने ये सिस्टम देखा था, यहां पर थी हमारी अर्थ जहां पर हमारा इक्वेटर इलाके पे रिलेटिवली लो था, यहां पर हाई थी और फिर यहां पर लोएस्ट देखने को मिली थी और उसको हम लोगों ने कर्व के फॉर्मेट में देख लिया था. आगे अगर हम लोग बढ़ा जाए और हम लोग कुछ फैक्ट जरा देख लेते हैं रिलेटेड विद द सैलिनिटी. एक चीज यहां पर देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई इनक्लोज्ड सी है, मान लेते हैं कोई इनक्लोज्ड सी है और कोई मान लेते हैं कि ओपन सी है, बताइए किसकी सैलिनिटी ज्यादा होगी. ऑब्वियसली इनक्लोज्ड सी की सैलिनिटी ज्यादा होगी क्योंकि ये बंद है और कोई भी बंद बॉडी अपने आप में, बंद का मतलब कंस्ट्रेंड बॉडी है, लिमिटेड बॉडी है, चारों ओर से क्लोजली पैक्ड है, तो वो उस बॉडी में 100% श्योर है कि एक जगह से इन्फ्लक्स होगा और कहीं दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, इवेपोरेशन होता ही रहेगा क्योंकि दिस इज द नेचुरल फिनोमिना, होगी ही होगी. तो यहाँ की सैलिनिटी रिलेटिवली ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द ओपन ओशियन, क्योंकि ओपन ओशियन में क्या है, एक तो एरिया काफी बड़ा होता है तो लार्ज एरिया होगा, इन्फ्लक्स अगर आएगा भी आएगा तो कोई बात नहीं, दूसरे जगह पे हो सकता है कि वो ट्रांसफर हो जाए, और इवेपोरेशन तो खैर ये भी यहां पर नेचुरल फिनोमेना है तो होनी होनी है यहां पर, लेकिन सैलिनिटी रिलेटिवली लेसर सैलिनिटी देखने को मिलेगी. तो एक चीज क्लियर हो गया क्या चीज है. तो अगर आप कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो आपको बहुत आराम से सिस्टम को, मतलब जितनी भी चीजें हैं वो आपको आराम से याद भी हो जाएंगे. फैक्ट के बारे में बात करें तो देखिए अटलांटिक ओशियन छोटा है, इंडियन ओशियन उससे छोटा है, लेकिन पैसिफिक ओशियन काफी बड़ा है. यहां पर अटलांटिक ओशियन में सैलिनिटी लेकिन ज्यादा होती है, क्यों, क्योंकि यहां पर बनता है जायर जिसको हम लोग बोल रहे थे सरगासो सी, तो इस वजह से यहां पर सैलिनिटी ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू द इंडियन ओशियन एंड द पैसिफिक ओशियन. तो इस तरीके से ये फैक्ट ध्यान रखना है आपको कि ये फैक्ट है, ठीक है. इसके अलावा अगर बात करते हैं तो अरेबियन सी की जो सैलिनिटी होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बे ऑफ बंगाल की सी. सीधी सी बात है बे ऑफ बंगाल में ज्यादा रिवर फ्लो करके गिर रही होती है फ्रेश वाटर, जैसे गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, महानदी हो गई, इसके अलावा गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, ठीक है, फिर उसके बाद से पिन्नार हो गई, पिन्नेरू हो गई, तो बहुत सारी रिवर्स हैं जो इस तरीके से बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं. जबकि अरेबियन सी के बारे में बात करें तो यहाँ पर बहुत ही कम रिवर्स हैं, जैसे साबरमती हो गई या फिर जो है आपकी माही हो गई, नर्मदा हो गई, केवल और केवल यही रिवर्स हैं जो यहाँ पर अरेबियन सी में गिर रही होती हैं. साथ ही साथ में यहाँ पर जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो भी काफी ज्यादा ब्रॉड है जिसके कारण से हमें इस तरीके की चीजें देखने को मिल जाती हैं. हाई सैलिनिटी जो होती है मेडिटेरेनियन सी और नॉर्थ सी को देखने को मिल जाती है क्योंकि एरिया अगेन इनक्लोज्ड है और एरिया छोटा है जिसके कारण से हाई सैलिनिटी देखने को मिलती है. वही लीस्ट सैलिनिटी के बारे में बात करें तो देखिए ब्लैक सी और बाल्टिक सी ये लीस्ट सैलिनिटी है. ये दोनों फैक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं. और यहाँ पर बाल्टिक सी और ये जो है दोनों के दोनों यहाँ पर रिवर फ्लो कर रही होती है, रिवर जो होती है वो फ्रेश रिवर होती है, फ्रेश वाटर रिवर्स है जिसके कारण से इसकी सैलिनिटी कम होती है. एक यहाँ पर न्यूज भी सुन लीजिए आप लोग कि एक है अराल सी, अराल सी जो होती है वो फ्रेश वाटर लेक है, लेकिन इस फ्रेश वाटर लेक में भी अब यहाँ पर सैलिनिटी देखी गई है, सैलिनिटी रिपोर्ट की गई है. क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट यहाँ पर आना शुरू कर दिए, रिवर जो होती है वो पॉल्यूट हो गई और अराल सी भी अब पॉल्यूट होना शुरू हो गई. इसके अलावा हाइएस्ट सैलिनिटी हमें पृथ्वी पर देखने को मिलती है लेक वॉन में, इसके बाद डेड सी में और फिर ग्रेट सॉल्ट लेक में. लेक वॉन कहाँ पे है, लेक वॉन है टर्की में, ठीक है, तुर्की में है, और बाकी डेड सी एंड ग्रेट सॉल्ट लेक आप लोग देख ही सकते हैं मैप में कि यहाँ पर क्या सीन है.
तो ये थी हमारी आज की पूरी डिस्कशन। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इन चैनल्स का यूज करके, मीडिया सोर्सेज का यूज करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। अगर कोई सजेशन फीडबैक भी देनी है तो आप इन चैनल का यूज कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।